हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस से, जो भी आपके पास डिवाइस आई हो ऐसा या फिर एंड्रॉयड है, उससे आप दो ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हो सिर्फ अपने एक डिवाइस से। जैसे फ्रेंड्स, आप अपने एक ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो और अपने और एक ईयरबड को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, वो भी एक साथ, वो भी एक ही डिवाइस से। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आपको ये सारा प्रोसेस लाइव करके दिखाता हूं, आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपने ब्लूटूथ को ओपन कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्लूटूथ को ओपन कर लिया, आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा होगा जैसे एडो 141 कनेक्टेड, जो मैंने यहाँ पे कान में लगाए हैं, ये कनेक्ट है मेरे मोबाइल के साथ। तो मैं यहाँ पे स्कैन करता हूँ दूसरे डिवाइस के लिए। तो मैंने स्कैन पे क्लिक करने को डिवाइस दिखने शुरू हो चुका है, BT-B9 पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो पेयर होना शुरू हो चुका है और देख सकते हो यहाँ पे कनेक्ट भी हो चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो 8141 है उसके आगे लिख किया है नो मीडिया। इसका मतलब है कि अगर आप कोई गाना चलाते हो अपने मोबाइल के ऊपर तो आपको एयरबड पे नहीं सुनाई देगा, वो आपके ब्लूटूथ स्पीकर पे सुनाई देगा। पर जो कॉलिंग आएगी वो आपके एयरबड्स पे ही आएगी, वो ब्लूटूथ पे नहीं आएगी। इसलिए जो आपके जो कॉलिंग का सब कुछ एयरडो अपने एयरबड्स पे ही आएगा, उसमें सिर्फ आपके ऑडियो की आउटपुट जाएगी, जो आपके मोबाइल में जो भी आप गाना चलाओगे कुछ भी आप देखोगे तो उसकी सारी आवाज़ वहाँ पर जाएगी अपने ब्लूटूथ के स्पीकर पे। ऑडियो पे अब आपके एयरबड से कोई आवाज़ नहीं आने वाली क्योंकि यहाँ पे नो मीडिया आ चुका है, सिर्फ ये कॉलिंग के लिए है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हम कितनी आसानी से दो ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने एक डिवाइस से। और फ्रेंड्स, इसका भी एक अपडेट वर्जन आने वाला है, जैसे जो नई नई डिवाइस आ रही है उसमें आप ऑडियो भी जो ऑडियो आउटपुट आती है वो भी आप दोनों पर सुन सकते हो। जैसे सैमसंग का फ़ोन हो गया, iOS हो गया, एप्पल iOS हो गया, उसमें आपको ये फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं कि आप दो आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो अपने एक डिवाइस से। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पे और मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में।